हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गलत इंजेक्शन से 13 साल के बच्चे की मौत, परिजन बोले सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट दुकान से मंगवाए इंजेक्शन। बाड़मेर में 13 साल के बच्चे की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। मामला गढ़रा रोड अस्पताल का है। मृतक के भाई पीताम्बर दास पुत्र कृपाराम निवासी त्रिमोही गढ़रा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि भाई अशोक कुमार उम्र 13 साल के मुंह पर फुंसी हो रखी थी। फुंसी का इलाज करवाने के लिए गढ़रा रोड सरकारी अस्पताल गए थे। अस्पताल में डॉक्टर अजमल हुसैन यादव पेपर पर इंजेक्शन लिखकर दिए। अस्पताल से बाहर प्राइवेट मेडिकल से 2 इंजेक्शन लेकर आया। डॉक्टर अजमल हुसैन ने कंपाउंडर के पास इंजेक्शन लगाने के लिए भेज दिया। दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। उसके मुंह से झाग आने लग गए। डॉक्टर ने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर बाड़ में रेफर कर दिया। अस्पताल में लेकर आए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। परिजन व समाज के लोग मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अभी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। SC ST एक्ट एकता मंच लक्ष्मण बड़ेरा ने कहा कि सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट पर्ची पर बाहर से इंजेक्शन मंगवाए और बच्चे के इंजेक्शन लगाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोप लगाया कि प्राइवेट पर्ची को फाड़ दिया, बच्चे को बाड़ में रेफर कर दिया। डॉक्टर कंपाउंडर मेडिकल विभाग बाड़ में रेफर कर दिया। डॉक्टर कंपाउंडर मेडिकल विभाग की लापरवाही से 13 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। इन्होंने डॉक्टर की गिरफ्तारी कर निलंबित किया जाए। डॉक्टर अजमल हुसैन का कहना है कि बच्चे की फुंसी होने पर इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के बाद रिएक्शन हो गया, इससे बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। हमने स्तर पर खूब प्रयास किया, ज्यादा व्यवस्था नहीं होने के कारण बाड़ में रेफर किया था। बाकी सरकारी इंजेक्शन ही लगाया था और पर्ची फाड़ने वाली बात झूठी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।